सुधा शुक्ला आधी रात को उठे थे और उन्होंने अपनी माँ से बातचीत की थी। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसको लेकर सिद्धार्थ को रात को सीने में दर्द हुआ। लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास वो उठे, वो अपनी माँ के पास गए और उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे बहुत सीने में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। माँ ने कहा कि ठीक है, उन्होंने पानी दिया, थोड़ी देर उनके साथ बैठी और फिर कहा कि सुबह जो है डॉक्टर के पास जाएंगे या जो भी हुआ। लेकिन रात को 3:30 बजे उठे और सिद्धार्थ शुक्ला को रात को ही सीने में दर्द हो रहा था, जिसके बाद जब उन्होंने अपनी मदर से इस बात को लेकर शिकायत की तो पानी दिया गया, उनके साथ थोड़ी देर बैठी, जब उन्हें थोड़ा बेहतर फील होने लग गया तब वो अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब माँ गई उनके रूम में तब देखा कि सिद्धार्थ किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और जब उनको हिलाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा जो है, जब देखा वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तब माँ ने बहनों को बुलाया, बहन ने एम्बुलेंस को बुलाया, जीजा बहन मिलकर जो है कूपर हॉस्पिटल लेकर गए। और लगभग 9:30 बजे के पास जब आसपास कूपर पहुँचे तब डॉक्टर्स का ये कहना था कि जब तक सिद्धार्थ को उनके पास लाया गया तब तक उनका निधन हो चुका था। तो आज तक की खबर के अनुसार जो है रात को ही सिद्धार्थ को सीने में शिकायत हुई थी और इस बात की कंप्लेन उन्होंने अपने परिवार से की थी, लेकिन थोड़ी देर जो है पानी पी के बैठने के बाद जो है उन्हें बेहतर लग रहा था। तो सुबह जो है, अगर मुझे लगता है कि सुबह तक का इंतज़ार ना किया गया होता या सिद्धार्थ रात को ही बोलते कि नहीं हॉस्पिटल ही जाना चाहिए तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन रात को उन्हें सीने में दर्द हुआ था ये बात जो है माँ ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को दी है।